प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 11वीं का आपका भौतिक विज्ञान विषय का पूरा परीक्षा सिलेबस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी त्रैमासिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का जो भौतिक विज्ञान विषय का पेपर होगा, इसमें कौन कौन से अध्याय से आपसे त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आज हम विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के परीक्षा सिलेबस को। तो देखिएगा आपका जो पेपर होगा, ये टोटली समय मिलेगा इसके लिए आपको 3 घंटे का, और ये टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा का ये पेपर अच्छे से समझ में आ जाए और आप लोग अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया है, देख सकते हो यहाँ से आप लोग सबसे पहले तो अध्याय एक देख लेंगे। अध्याय एक को आप लोग कंप्लीट कर ले, जिसका कि नाम है मात्रक एवं मापन। इस पार्ट में से आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद में अगला पार्ट क्या है, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति ये पार्ट भी आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो आप लोग इस पार्ट को भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि इस बार आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, और इसके बाद में अगला जो पार्ट होगा आपका वो होगा समतल में गति। इस पार्ट में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस बार आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो खासकर आप लोग इन पार्ट के प्रश्न भी अच्छे से याद कर लें परीक्षाओं के लिए। और उसके बाद में अगला देखते हैं, तो देखिएगा अगला पार्ट है गति के नियम। तो गति के नियम जो पार्ट दिया गया है, इसके प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं, आप सभी लोग इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद में अगला पार्ट देखते हैं, जिसका कि नाम है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। तो इस पार्ट को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसमें से भी आपसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को आपकी त्रैमासिक परीक्षाओं की तैयारी के लिए पूरा सिलेबस नोट करवा दिया है, आप लोग इस प्रकार से इनको कंप्लीट जरूर कर लें। आप इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।